और बड़ी खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। मामले में एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। देर रात बदमाशों ने मझोला थाने के काशीराम नगर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को लूट का शिकार बनाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 16 लाख रुपए की लूट की। इस मामले में एसएसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। बदमाशों ने मझोला थाने के काशीनगर रामनगर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को लूट का शिकार बनाया और फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जाँच में जुटी है। और इस वक्त हमारे साथ दीपचंद जोशी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दीपचंद जोशी, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, मुरादाबाद का मझोला थाना क्षेत्र है, काशीराम नगर एक इलाका है, वहाँ पर ये फाइनेंस कंपनी चलती थी और जो कंपनी का इंचार्ज था वो रात में अपने घर पर अकेले लेट रहा था। इसी बीच 4 बदमाश जबरन घर में घुस गया हथियारों के बल पर और 16 लाख रुपए जो घर पर रखे थे फाइनेंस कंपनी के जो नीचे वाला ऑफिस था उसमें 16 लाख रुपए रखे थे। 3 दिन का ये पूरा कलेक्शन था जिसको लूट कर वो मौके से फरार हो गए। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उनको जांच शुरू कर रहे हैं पूरे मामले की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो उनके कर्मचारी थे उनमें से ही कोई कर्मचारी लुटेरों के साथ मिला हुआ है, जिसकी मुखबिरी के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी, तो तमाम शुक्रिया जानकारी के लिए।